गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जा रही हूँ दिल्ली के पुराने किले के पास, तो चलिए वहाँ आपको ले चलती हूँ और वहाँ का सारा व्यू आपको दिखाऊंगी। तो चलिए। तो गाइस, मैं मित्र स्टेशन आ गई हूँ एंड यहाँ से अब मैं दिल्ली लाइन वाली ट्रेन लेने वाली हूँ। फिर उसके बाद मैं आगे चेंज करूँगी, वॉलेट लाइन वाली ट्रेन पर लूँगी, फिर उसके बाद मैं आगे जाऊँगी। तो अब मैं आ गई हूँ पुराना किला एंड यहाँ से अब मैं आगे जा रही हूँ टिकट काउंटर के पास। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से सीधा जाना है टिकट काउंटर के पास। इधर इस साइड है जू है यहाँ का। मैं जा रही हूँ पुराना किला की तरफ। मेन डोर है एंड यहाँ से अब मैं अंदर जा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ का मेन डोर है, ये बहुत बड़ा दरवाजा है। अंदर आ गए, बहुत बड़ा दरवाजा यहाँ का है, दिल्ली का बड़ा दरवाजा भी बोला जाता है इसे। यहाँ से देख सकते हैं काफी सुंदर लग रहा है ये जो गार्डन है दोनों तरफ एंड बीच से जाने का ये रास्ता जो इसको बहुत ही सुंदर बना रहा है। यह किला यमुना नदी किनारे बनाया गया है। इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में 1540 से 1545 के बीच में इसका निर्माण करवाया था। एंड हिंदू साहित्य के अनुसार ऐसा माना जाता है कि यह किला इंद्रप्रस्थ के जगह पर बनाया गया है जो पांडवों की राजधानी हुआ करती थी। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि 1955 में परीक्षण के लिए इस किले के दक्षिण पूर्वी भाग में खुदाई की गई थी। तो खुदाई के दौरान जो मिट्टी के पात्र, सिक्के एंड प्रतिमाएं मिली थी वे सभी महाभारत के जो अन्य स्थलों से प्राप्त हुए थे उनसे मिलती जुलती है। एंड फिर उसके बाद दूसरी बार भी खुदाई की गई थी 1969 में। उस समय भी बहुत कुछ महाभारत से जुड़ी चीज़ें ऐसे प्राप्त हुई हैं, इसलिए माना जाता है कि यहाँ पर इंद्रप्रस्थ हुआ करता था, पांडवों की जो राजधानी थी। ये मस्जिद है, इसमें दो तलीय अष्टभुजी स्तंभ है। वाह, कितना सुंदर लग रहा है ये मस्जिद। यहाँ पे लोग पिक ले रहे हैं।
अब हम अंदर चलते हैं मस्जिद में। यहाँ पे मैप बनाया गया है इस पुराने किले का। ये शेर मंडली से बोला जाता है, इसे शेर ससुरी ने बनवाया था। तो ये शेर मंडल है, ऐसा माना जाता है कि यहाँ हुमायूं ने अपना लाइब्रेरी बनाया हुआ था एंड यहीं से गिरकर उनके शायद गंभीर चोट लगने की वजह से मृत्यु भी हो गई थी, उनकी डेथ हो गई थी। खुदाई के दौरान जो सामानें मिली हैं उन सामानों को इस किले के संग्रहालय में रखा गया है, म्यूजियम में। आ गई अंदर, मोबाइल अलाउड नहीं था बट मैंने चुपके से थोड़ा थोड़ा मैंने वीडियो बना लिया है। यहाँ म्यूजियम में आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो महाभारत के समय के सारे मूर्ति और ये सब रखा गया है, विष्णु का, ब्रह्मा ब्रह्मानी का, सबका। तो वो सब बहुत सुंदर लग रहा था देखने में एंड जो मुगल साम्राज्य के शासक रहे थे उन लोगों के भी सब, उन लोगों का कल्चर सब दिखाया गया है एंड यहाँ पे बहुत बहुत अच्छा लग रहा था अंदर जाने पे। अंदर अलाउड नहीं था मोबाइल बट मैंने चुपके से थोड़ा थोड़ा वीडियो बनाया है, तो आप लोग देखिएगा और अच्छा लगेगा। एंड अगर आप लोग यहाँ दिल्ली में आते हैं तो ये पुराना किला का ये म्यूजियम जरूर देखिएगा, आपको अच्छे से सब चीज़ पता चलेगा कि पहले के मतलब कैसे रहते थे राजा महाराजा, ये सब उन लोग का कल्चर दिखाया गया है। तो चलिए अब मैं आगे जा रही हूँ एंड लेह की तरफ मैं जा रही हूँ अब, तो चलिए। यह किला मुगल, हिंदू एंड अफगानी वास्तुकला का एक सुंदर नमूना माना जाता है। इसका निर्माण हुमायूं ने करवाया था इसलिए इसे हुमायूं दरवाजा बोला जाता है। से हम लोग बाहर अब निकलेंगे। पुराना किला में आकर बहुत अच्छा लगा यहाँ घूम के एंड आप लोग को भी कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत फिर मुलाकात होगी, बाय।